हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स, हम आपको सिखाएंगे कि आप ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे वेरी शॉर्ट टाइम में और वेरी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर वन है। ये हमारे पास कोई एक स्क्वायर शेप में ये फिगर गिवन है। ठीक है, इन सब के साइड ए गिवन है। ठीक है, इस पॉइंट को ओरिजिन माना गया है। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट मास रखा हुआ है। ठीक है, यहां इन सब ही पॉइंट मासेस के मास जो है वो सेम है, या कह सकते हो आइडेंटिकल पॉइंट मासेस पॉइंट ए, बी और सी पर रिस्पेक्टिवली रखे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ओरिजिन ओ है, इस पर आपको नेट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड। ठीक है, इस पॉइंट ओ पर नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो हम इंडिविजुअली ड्यू टू दिस पॉइंट मास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू, ड्यू टू दिस पॉइंट मास और ड्यू टू दिस पॉइंट मास क्या करेंगे, सबकी सबका ड्यू टू ऑल दिस पॉइंट मासेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे। फिर पॉइंट ओ पर इन सब के कारण, इन सभी पॉइंट मासेस के कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी एडिशन रूल से। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी नेट आपका हो जाएगा एट पॉइंट ओ पर जी एम बाई ए माइनस जी एम बाई ए माइनस जी एम बाई ए माइनस जी एम बाई ए ड्यू टू दिस पॉइंट मास, ड्यू टू दिस पॉइंट मास, ड्यू टू दिस पॉइंट मास। और यह हम जानते हैं कि ड्यू टू वन पॉइंट मासेस, ड्यू टू वन पॉइंट मास या ड्यू टू पॉइंट मास, सिंगल पॉइंट मास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू माइनस जी एम बाई ए होता है। ठीक है, ए डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और उस पॉइंट मास से जिसके कारण आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां से आपको वैल्यू मिल गई माइनस थ्री जी एम बाई ए। ठीक है, ये हो गया वी नेट इज इक्वल टू। अब डियर स्टूडेंट्स, हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, आइए ग्रेविटेशनल फील्ड की एट पॉइंट ओ पर। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ओ पर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर पॉइंट ओ पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट ओ पर कैलकुलेट करने के लिए ड्यू टू दिस पॉइंट मास, ड्यू टू दिस पॉइंट मास, ड्यू टू दिस पॉइंट मास हम फाइंड आउट करेंगे। फिर इसको एट पॉइंट ओ पर हम वेक्टर एडिशन रूल से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमको नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू यहां पर पता चल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या करते हैं कि ड्यू टू दिस पॉइंट मास, इसकी वैल्यू हम इवन सपोज कर लेते हैं, ड्यू टू दिस पॉइंट मास, इसकी वैल्यू हम ई टू सपोज कर लेते हैं, और ड्यू टू दिस पॉइंट मास, ड्यू टू दिस पॉइंट मास, इसकी वैल्यू हम E3 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, E3 सपोज कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, E1 और E2 की वैल्यू सेम आएगी, क्यों आएगी ध्यान से देखें। इस पॉइंट मास का इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट मास का इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, और ये पॉइंट मासेस आइडेंटिकल है। ठीक है, तो यहां से E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E इज इक्वल टू जी एम
बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स ई थ्री की वैल्यू यहां पर देखेंगे तो ड्यू टू दिस पॉइंट मास, इस पॉइंट ओ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका और इसका सम या पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट टू ए हो जाएगा, ठीक है। अब इस डिस्टेंस पर ड्यू टू दिस पॉइंट मास, इस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एट पॉइंट ओ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू जिसको ई थ्री माने हो, ई थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ड्यू टू दिस पॉइंट मास ये हो जाएगा जी एम बाई डिस्टेंस रूट टू ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी एम बाई टू ए स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा जी एम, जी एम बाई ए स्क्वायर की वैल्यू ई माने हो, ये हो जाएगा ई बाई टू, ठीक है। ई बाई टू का डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स कितना आया, इसी लाइन पर हमको वैल्यू मिल गई ई बाई टू, किसकी, ई थ्री की, ठीक है। अब यहाँ पर ई वन और ई टू भी दो वेक्टर हैं, इन दो वेक्टर्स का सम करोगे तो इसी लाइन पर आएगा, ओ बी लाइन पर, ठीक है। तो ई वन और ई टू का सम करोगे तो आपको ई थ्री की वैल्यू क्या मिलेगी, ई थ्री लाइन पर ही मिलेगा, ठीक है। तो ई थ्री की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी ई वन स्क्वायर या ई टू स्क्वायर, ई वन और ई टू को ई माने हो तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी रूट टू ई, ठीक है, रूट टू ई स्क्वायर मतलब रूट टू ई मिल गया। तो इसी लाइन पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी मिल गई, रूट टू ई मिल गई, ठीक है। ई थ्री की वैल्यू यहां पर रूट टू ई मिल गई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इस लाइन पर ओ बी लाइन पर ई बाई टू भी आपको वैल्यू मिल गई और रूट टू ई भी मिल गई, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट ओ पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ई नेट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाई टू प्लस रूट टू ई। यहां पर अगर हम ई कॉमन कर लेते हैं तो रूट टू प्लस वन बाई टू, ठीक है, ये हो गया ई नेट की वैल्यू। तो यहां पर इस पॉइंट ओ पर जिसको आप ओरिजिन मानेंगे, जिस पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ये आपको कितनी मिल गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू माइनस थ्री जी एम बाई ए मिला था और ये आपका मिल गया ई रूट टू प्लस वन बाई टू, ठीक है। आइए नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू, जो कि आपका बिल्कुल सेम मेथड पर होगा और यहाँ पर क्वेश्चन आपका बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। यह भी आपका ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर ही बेस्ड होगा। एग्जाम्पल नंबर टू यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास कोई हेक्सागन शेप में ये फिगर हमको गिवन है, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट मासेस हैं, ए बी सी डी, यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये आपको ओरिजिन दिया गया है ओ, ठीक है। इन सब का साइड ए गिवन है, ठीक है। अगर ये इन सब का साइड जो है सबका सेम है, ठीक है, तो इन सब का जो डिस्टेंस होगा, जैसे कह सकते हैं कि ये अगर हम ई मान लें, ये एफ मान लें, तो ओ ई की वैल्यू ए एफ के इक्वल आएगी, ठीक है। ओ डी की वैल्यू एफ ई के इक्वल आएगी, ठीक है, या कह सकते हो बी सी के इक्वल आएगी, ठीक है। और ओ बी की वैल्यू ए एफ के इक्वल आएगी, ठीक है। मतलब यहां पर इस ओरिजिन ओ से किसी भी पॉइंट मासेस का डिस्टेंस ए आएगा जो कि सेम होगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले यहां पर हम क्वेश्चन देखेंगे इस पॉइंट ओ पर, यहां पर ध्यान से समझोगे आपके पास चार पॉइंट मासेस हैं, केवल और केवल चार पॉइंट मासेस हैं और ये रेस्पेक्टिवली ए बी सी डी पर रखे हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी पर रखे हुए हैं और ये चार पॉइंट मासेस केवल और केवल इन्हीं पॉइंट्स और ये पॉइंट मासेस जो ले रहे हो ए बी सी डी पर, ये आइडेंटिकल मतलब एम 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 एम, ठीक है, मतलब एम
एम एम एम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमको कैलकुलेट करना है फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील, ठीक है, एट पॉइंट ओ पर, ठीक है। ओ पर आपको नेट ग्रेविटेशनल फील्ड और नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहां पर सोल्यूशन देखेंगे इसका। सबसे पहले हम निकालते हैं नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ओ पर, ठीक है। यहां पर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कहा है हमारे पास कोई चार पॉइंट मासेस हैं जो कि ए बी सी और डी इन चार पॉइंट्स पर आइडेंटिकल हैं, रखे हुए हैं, ठीक है। और हमको पॉइंट ओ पर ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ड्यू टू ऑल दीज पॉइंट मासेस हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू सेपरेटली या इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इनको हम वेक्टर एडिशन के रूल से, सॉरी यहाँ पर ये वेक्टर एडिशन रूल नहीं लगेगा, ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दीज पॉइंट मासेस इंडिविजुअली कैलकुलेट करके हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ऑर्डिनरी एडिशन रूल से ऐड कर देंगे। तो वी नेट आपका हो गया ड्यू टू दिस पॉइंट मास माइनस जी एम बाई ए, ड्यू टू दिस पॉइंट मास माइनस जी एम बाई ए, ड्यू टू दिस पॉइंट मास भी माइनस जी एम बाई ए एंड माइनस जी एम बाई ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस फोर जी एम बाई ए, माइनस फोर जी एम बाई ए भी नेट इज इक्वल, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको पता चल गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ओ पर। आइए आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट ओ पर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ओ पर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट मास इस डायरेक्शन में होगा, ड्यू टू दिस पॉइंट मास इस डायरेक्शन में होगा, ड्यू टू दिस पॉइंट मास इस डायरेक्शन में होगा, ड्यू टू दिस पॉइंट मास इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहां पर इन सब का डिस्टेंस और ये पॉइंट मासेस आइडेंटिकल है, तो इसलिए ई ए ई बी ई सी ई डी इक्वल होंगे ई के, ठीक है। और ई ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू होगी जी एम बाई ए स्क्वायर, ठीक है। इन सब का डिस्टेंस जो है वो आइडेंटिकल है या इक्वल है जो कि ए, तो जी एम बाई ए स्क्वायर हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट ओ पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से समझेंगे। ये आपका ई ए जिसको माने हो, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास ए ई ए माने हो, और ये जो ई डी है, ई डी है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट मास जो कि डी पर रखा हुआ है जिसको ई डी बोल रहे हो, ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो आपको ग्रेविटेशनल फील एट पॉइंट ओ पर ओनली ड्यू टू ई बी और ड्यू टू ई सी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई नेट आपका हो जाएगा ड्यू टू ई बी और ड्यू टू ई सी, ये भी आपके ई के इक्वल ही आएंगे, तो इनको हम ऐड करेंगे वेक्टर एडिशन रूल से, तो ई स्क्वायर प्लस टू ई इंटू ई कॉस, यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा डियर स्टूडेंट्स ये कितना होता है 60 होता है, ये हो जाएगा 60। यहाँ पर हमको वैल्यू मिल गई
2e² + 2e² cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको वैल्यू मिल गई 2 + 1 3e² ठीक है, या इसको कह सकते हो √3e, और e की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, √3 इनटू e की वैल्यू gm/a² ठीक है। तो e नेट की वैल्यू हो गई एट पॉइंट O पर या एट ओरिजिन पॉइंट पर, ठीक है। e नेट की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स √3gm/a² हो गया। तो यहां पर हमने आपको सिखाया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैसे ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वेरी इजी वे में, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आज के इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग और भी क्वेश्चंस इन पर बेस्ड अपनी टेक्स्ट बुक से सॉल्व करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।